बालाजी की अर्जी और सन्यासी बाबा की भभूति ने एक शख्स को ऐसा जीवन दिया कि ये चमत्कार देखकर विदंग रह गए। रांची झारखंड के निवासी गौतम पांडे ने बताया कि उसकी धर्मपत्नी अदिति पांडे नवंबर माह में गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें ब्रेन ट्यूमर था। मार्च महीने में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन एम्स दिल्ली में कराया गया। उस समय लगभग 5% ट्यूमर भी नहीं निकला था। डेढ़ महीने बाद फिर से झज्जर एम्स में ऑपरेशन हुआ और इसके बाद भी पूरी तरीके से ब्रेन ट्यूमर नहीं निकला था। इस दौरान कीमो भी करवाया गया। इसके बाद दंपति अपने घर रांची पहुंच गए, लेकिन एक दिन फिर पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो बेड भी नहीं पा रही थी। परिजनों ने एयरलिफ्ट कर गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल लेकर पहुंचे और वहां भर्ती कराया गया, लेकिन पत्नी की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। गौतम पांडे ने बताया कि उसी रात हमें सपने में हमारे दादाजी, जो कि बालाजी हनुमान जी के भक्त थे, दिखाई दिए और फिर लगा कि हमें बागेश्वर धाम जाना चाहिए। पत्नी को अस्पताल में अपने भाइयों के हवाले छोड़कर वे दिल्ली से फ्लाइट के माध्यम से बागेश्वर धाम पहुंचे। यहाँ पर बागेश्वर बालाजी के दरबार में अर्जी लगाई, नारियल बांधा और आश्रम में जाकर भभूति प्राप्त की। इसके बाद भभूत लेकर वे अपनी पत्नी के पास पहुंचे और सिर और गले पर भभूत लगाने लगे। 10 दिन बाद फिर से ऑपरेशन होना। डॉक्टर घबराए हुए थे और डॉक्टर्स को लग रहा था कि जब एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर सही नहीं कर पाए तो उनके लिए ट्यूमर निकालना नामुमकिन है। परिजनों ने बालाजी के चरणों में प्रार्थना की। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और उसी दिन डॉक्टर का कहना था कि हमें विश्वास ही नहीं था कि इतने अच्छे तरीके से ऑपरेशन सफल रहेगा और ट्यूमर पूरे तरीके से निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सब बागेश्वर बालाजी की भभूत का कमाल है। अब पत्नी काफी हद तक ठीक हो चुकी है। आशा है कि वो जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी और उसके बाद वे उसे बागेश्वर बालाजी के दर्शन कराने के लिए। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। कहाँ से आए हैं? हम रांची झारखंड से आए हैं। मेरा नाम गौतम पांडे है जी। और आज है तारीख 11 दिसंबर। आज से करीब एक महीना पहले मैं यहाँ बागेश्वर धाम आया था। उस समय मेरी धर्मपत्नी अदिति फोर्टिस गुड़गांव में एडमिट थी आईसीयू में। उनको ब्रेन में ट्यूमर था और ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था कि वो पूरी तरह बेहोश हो गई थी, एकदम कोमाल जैसी स्थिति में थी। कुछ जवाब नहीं दे रही हैं। इससे अभी एक महीना पहले की ये बात है। मार्च में डॉक्टर एम्स दिल्ली के डॉक्टर ने इनके ऊपर ऑपरेट किया था ब्रेन ट्यूमर के लिए। उस समय वो लोग 5% ट्यूमर भी नहीं निकाल पाए थे। उसके 1.5-2 महीने बाद रेडिएशन भी हुआ था एम्स झज्जर में, उसके बाद भी कुछ ट्यूमर निकल नहीं पाया। उसके बाद में एक राउंड ऑफ कीमो भी चला था मेरी वाइफ के ऊपर, वो भी कुछ असर नहीं कर पा रहा था। उसके बाद में इतना हालत ख़राब हो गया था, क्योंकि हम लोग तो रांची झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हम लोग। तो फिर इनको हम लोग रांची में ला के आईसीयू में एडमिट किए। जय जय सीताराम। और फिर यहाँ एडमिट करने के बाद में जब हम देख रहे हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तब इनको वहाँ रांची से आईसीयू से एयरलिफ्ट, मतलब कि एरोप्लेन में रख के, क्योंकि ये बैठ नहीं पा रही थी, इनको एयरलिफ्ट करके वहाँ से फिर हम यहाँ फोर्टिस गुड़गांव में लाए। यहाँ पे लाने का मकसद यही था कि यहाँ पे सब रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और सब एक ही साथ डिपार्टमेंट में थे। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ अच्छे से इनका ट्रीटमेंट हो पाएगा। अब आप ये भी देखिए कि एम्स के डॉक्टर, जो कि इंडिया के बेस्ट हैं, वो जब ब्रेन इनका खोले 5% ट्यूमर नहीं निकाल पाए। और जब यहाँ एडमिट हुई तो यहाँ पे भी आईसीयू में बहुत इनका इन्फेक्शन ये है वो है। अब इसी बीच में देखिए ऐसा मेरे साथ होने लगा कि हमको मेरे दादाजी, जो कि हनुमान जी के बड़े भारी भक्त थे, वो बार बार मेरे सपने में आने लगे। हमारे गुरुजी बार बार मेरे सपने में आने लगे और हमको ये संकेत बहुत स्ट्रांग तरह से मिलने लगा कि हमको बागेश्वर धाम जाना ही जाना है। मेरी वाइफ आईसीयू में है, मेरा भाई और मेरी वाइफ के भाई दोनों लोग, हम दोनों को बोले कि तुम दोनों संभालो। मैं एक दिन दिल्ली से फ्लाइट लेके यहाँ आया, एक महीने पहले की बात है, 8 नवंबर की। मैं जल्दी से आया, आके सबसे पहले यहाँ विभूति ली, ऊपर अर्जी लगाने के लिए गया, सबसे पहले हनुमान जी के बारे में उनके शरण पकड़ा, बोला कि हनुमान जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको हमको अपनी भक्ति प्रदान की। और उसके बाद में जो वाइफ की दिक्कत थी, हमने कहा कि हनुमान जी इसको आप हम आपके शरण में हैं, आप इसको आप देखिए। हम आए, विभूति फिर से शाम को ली और फ्लाइट लेके रात को घर पहुँच गए। अगले दिन से ऐसा हुआ कि सुबह शाम जो जो हमारे गुरुजी ने मंत्र बताया है, ओम बागेश्वराय वीर बीराय हुम फट स्वाहा, वो मंत्र के साथ विभूति को सुबह शाम यहाँ, यहाँ और यहाँ अपनी वाइफ को लगाने पड़े। मुंह से नहीं ले पाती थी तो उनके फीड में हम दे देते थे।
ये जब से हमने शुरू किया है, और उसके बाद आप देखिए 8-9 मेरे को लग रहा है 9 या 10 नवंबर से ही हमने शुरू कर दिया। उसके बाद में 10-15-20 नवंबर को इनका मेजर ट्यूमर में ब्रेन का सर्जरी हुआ था, जिसमें कि फिर से ट्यूमर निकालना था। और इस बार ट्यूमर के एक दिन पहले जो फोर्टिस के भी गुड़गांव के डॉक्टर हैं, वो तो डरे हुए इसलिए कि अगर एम्स का डॉक्टर नहीं निकाल पाया तो हम कैसे निकाल पाएंगे जी। ऑपरेशन मंडे को था, मंडे के एक दिन पहले वो खुद डरे हुए थे, वो बोलते कि हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन हमको तो पूरा यहाँ पे विश्वास था, हम तो जान ही रहते हो। और जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन हम हनुमान जी से भी बोल रहे हैं कि हाँ महाराज, अब आपको आज आना ही पड़ेगा, आज हम आप ही के भरोसे हैं। और आप ये देखिए, जब डॉक्टर ने ब्रेन खोला इनका और जब निकालने लगे तो वो ये बोल रहे हैं कि इतनी आसानी से निकल रहा है कि जैसे हम आइसक्रीम निकालते हैं वैसे निकल रहा है। एम्स का डॉक्टर जो इतनी मुश्किल से नहीं निकाल पाया, मतलब 5% निकल पाया, यहाँ तक नियर टोटल ट्यूमर निकल गया। अब ये मुझे बताइए, ये हनुमान जी बालाजी सरकार बागेश्वर धाम, इनकी विभूति का कमाल नहीं है तो किस चीज का कमाल है? हम तो एकदम साक्षात देख चुके हैं, इसीलिए हम आए अभी फिर से। अभी फिर से मेरी वाइफ वैसे आईसीयू में है, लेकिन अभी वो डेंजर से बाहर है, अभी ट्यूमर निकल गया, अभी बस स्वेलिंग है। लेकिन उसी चीज के लिए हम फिर से वाइफ का फोटो भी लाए हैं इस बार। और एक विभूति इस बार फिर से लेकर जा रहे हैं कि अभी हम आए हैं तो हम बागेश्वर धाम को यही बोलने के लिए आए हैं कि हम आपके पास शरण में हैं, अब आते रहेंगे, आप हमको याद करते रहेगा। इस बार भी जब मैं आया हूँ तो मुझे फिर से संकेत, सपने के माध्यम संकेत मिला है। सपने में आया था कि बागेश्वर ऐसे जाना है, तो संकेत देख कर ही मैं बोला कि अब चलते हैं, फिर से हमको बुलाया आया है। और जो लोग श्रद्धालु बाहर से आते हैं, अदर अदर कंट्री से आते हैं, उन सभी श्रद्धालु के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर एक बार आप बागेश्वर धाम के शरण में आ गए, अगर आपके हृदय में एक बार हनुमान जी का, सीताराम जी का वास हो गया, तब आप कितने भी मुश्किल परिस्थिति में हो, क्योंकि मेरे केस में तो डॉक्टर बोल रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, और जब ऑपरेशन करने के लिए बोला तो पूरा निकल गया, तो आपका कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। इस पर कोई किंतु परंतु की बात बिल्कुल नहीं है। आपके हृदय में हनुमान जी, सीताराम जी होने चाहिए, अगर हैं तो जीत निश्चित है जी। बिल्कुल, आते रहिए आप बागेश्वर धाम, अपनी वाइफ को भी कभी दर्शन करने के लिए लाइए जी। जी, जय सियाराम, जय बागेश्वर, जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम।